हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलिवा किचन। आज मैं रसगुल्ले बनाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले से ही मैंने दूध को उबालकर थोड़ा सा ठंडे होने के बाद नींबू का रस डालकर रखी हूँ और अब हमारा छेना तैयार है। उसके बाद मैं एक बर्तन में पतली सी कपड़ी ली हूँ और उसमें हमारे छेने को डाल रही हूँ। उसके पानी को छेने से अलग करने के लिए पतली कपड़े का यूज करना। और मैं अब एक चाली लेकर उसके ऊपर छेने को रखकर 1 लीटर पानी और डाल रही हूँ ताकि उसमें खटास ना रहे। अगर छेने खट्टे हो जाते तो मिठाई अच्छे से नहीं बनता और फट जाता है इसलिए। और मैं इसके पानी को अच्छे से निकाल रही हूँ। अब हमारी छेना एकदम अच्छे से मिठाई के लिए तैयार है। अब मैं एक प्लेट में उस छेने को लेकर अच्छे हाथों से मसल रही हूँ। और अब मैं उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच से भी कम मैदा लेकर उसको अच्छे से मिलाकर फिर से मसलूंगी, क्योंकि उसमें जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो नहीं रहेगा, चला जाएगा। और मैदे बहुत कम यूज करना, ज़्यादा मत यूज करना, नहीं तो हमारे रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेगी। और इसको मैं तब तक मसलूंगी जब तक कि ये हाथ में चिपकना छोड़ दे। और अब ये परफेक्ट हो गया है रसगुल्ले के लिए। मेरे हाथ में अभी नहीं चिपक रहा है। अब मैं उसका छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। अब आपके हिसाब से बनाना। छोटे रसगुल्ले चाहिए तो छोटा छोटा बॉल बनाना, अगर बड़े चाहिए तो बड़े बॉल बनाना। अब हमारा बॉल्स तैयार। अब मैं एक कढ़ाई में 1 लीटर पानी ली हूँ। और 200 ग्राम चीनी मैं उसमें डाल रही हूँ। अब हमारा चीनी घुल चुका है। और अब मैं उसमें 2-4 इलायची को दे रही हूँ। और हमारे पानी एकदम अच्छे से तैयार है। उसको हाथ में चेक करने से रस्सियाँ नहीं बनने चाहिए। और अब मैं एक एक बल्ब को उसमें दे रही हूँ। सारे बल्ब को एक साथ में नहीं देना।
और 2-3 मिनट में हो जाएगा। और अब हमारा रसगुल्ला अच्छे से तैयार है, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बना है। आप भी इस तरह से एक बार रसगुल्ले बनाइए और मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय मां समली।